गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू चैप्टर 11 जीके इंडियाज ग्लोरी। इंडिया इज़ फेमस फॉर इट्स अमेजिंग मोनूमेंट्स। इट इज़ समटाइम्स कॉल्ड द लैंड ऑफ मोनूमेंट्स। थाउजेंड्स ऑफ टूरिस्ट कम टू इंडिया टू सी द ब्यूटी ऑफ दिस मोनूमेंट्स। यू नो वट इज़ मोनूमेंट्स? यस, स्मारक। स्मारक मीन्स क्या होता है? यस, जो पहले की सारी चीज़ें बनी हैं, जैसे लोटस टेम्पल है, विक्टोरिया मेमोरियल है, ताजमहल है, तो ये सभी क्या है? मोनूमेंट्स हैं। और इसी पहले के जो किंग थे उन्होंने इसको बनवाया था। नाउ आई कम टू नेक्स्ट। टिक द सिटीज़ इन विच द फॉलोइंग मोनूमेंट्स आर लोकेटेड। उस सिटीज़ पे हमें टिक करना है जहाँ पे ये मोनूमेंट्स लोकेटेड है, मीन्स स्थित है। लोटस टेम्पल, यस, सभी हम सबको पता है लोटस टेम्पल लोकेटेड इन दिल्ली, न्यू दिल्ली। विक्टोरिया मेमोरियल लोकेटेड इन कोलकाता। मीनाक्षी टेम्पल लोकेटेड इन मदुरई। ताजमहल लोकेटेड इन आगरा। ताजमहल सभी को पता है, और इसे बनवाया किसने था? शाहजहां ने। कहते हैं शाहजहां ने इसको अपनी बेगम ताज मुमताज़ महल के नाम पे, मुमताज़ की याद में बनाया था, इसलिए इसका नेम ताजमहल पड़ा। बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सिकरी। चार मीनार लोकेटेड इन हैदराबाद। गोल गुंबद लोकेटेड इन बीजापुर। दिलवारा टेम्पल लोकेटेड इन माउंट आबू। गेटवे ऑफ इंडिया लोकेटेड इन मुंबई। तो क्लास, हमने ये सारे मोनूमेंट्स के बारे में रीड किया, ये कहाँ लोकेटेड है। नाउ आई कम टू नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर 12, नेशनैलिटीज। क्लास, डू यू नो व्हाट इज़ नेशनैलिटीज़? यस, नेशनैलिटीज़ वो होता है, जैसे कि वी आर इंडियन, हम सभी क्या है? इंडियन है। Why? Because we all live in India. हम सभी इंडिया में रहते हैं, इसलिए हम सभी क्या है? इंडियन है। A native of a particular country is usually called by its geographical name. For example, the native people of India are called Indians. ठीक है, अगर हम जिस राष्ट्र में रहते हैं वो राष्ट्र को, जैसे हम इंडिया में रहते हैं तो हमारी नेशनैलिटीज़ इंडियन है। गिवन बिलो आर अ फ्यू क्ल्यूज रिलेटिंग टू सम कंट्रीज। आइडेंटिफाई द कंट्रीज एंड राइट द नेशनैलिटीज़। अब कुछ क्ल्यूज दिए हैं जैसे इसको पहचानने के लिए, ठीक है। दिस कंट्री इज़ फेमस फॉर इट्स सिल्क। सिल्क के लिए कौन सी कंट्री फेमस है? यस, चाइना। एंड चाइना की नेशनैलिटीज़ क्या है? चाइनीज। सेकेंड, दिस कंट्री इज़ फेमस फॉर पिरामिड्स। कौन सी कंट्री है? इजिप्ट। नेशनैलिटीज़ क्या है? इजिप्शियन। द नेशनल नेम ऑफ दिस कंट्री इज़ निपॉन। नेशनल नेम क्या है? निपॉन। कौन सी कंट्री है? जापान। एंड नेशनैलिटीज़ क्या है? जापानीज। नाउ फोर्थ, द करेंसी ऑफ दिस कंट्री वॉज कॉल्ड फ्रैंक। कौन सी कंट्री है? फ्रांस। नेशनैलिटीज फ्रेंच। नंबर 5, व्हाइट हाउस इज द ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ दिस कंट्री। रेजिडेंस, प्रेसिडेंट का रेजिडेंस व्हाइट हाउस कौन सी कंट्री में होता है? यस, सभी को पता है यूएसए। यूएसए मीन्स अमेरिका। एंड नेशनैलिटीज अमेरिकन। जो अमेरिका में रहते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? अमेरिकन। दिस कंट्री इज़ फेमस फॉर फुटबॉल। फुटबॉल के लिए कौन सी कंट्री फेमस होती है? यस, ब्राज़ील। एंड यहाँ की नेशनैलिटीज़ क्या है? ब्राज़ीलियन। दिस कंट्री इज़ फेमस फॉर इट्स स्पाइसेस एंड क्यूसिन, माउंटेंस, वैलीज एंड स्कैनिक ब्यूटी। यस, इंडिया। एंड नेशनैलिटीज़ इंडियन। दिस कंट्री इज़ होस्टेड द फर्स्ट ओलंपिक गेम्स। वो कौन सी कंट्री है जिसने फर्स्ट टाइम ओलंपिक गेम्स होस्ट किया था? यस, ग्रीक, ग्रीस।
एंड ग्रीस की नेशनलिटीज़ क्या है? ग्रीक. नाउ आई कम टू नेक्स्ट. दिस इज़ द नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया. इट्स फ्लैग इज बॉटल ग्रीन इन कलर विथ अ रेड डिस्क इन द सेंटर. यस, इंडिया का नेबरिंग कंट्री कौन है जिसके फ्लैग में बॉटल ग्रीन है, कलर फ्लैग का कलर है बॉटल ग्रीन और उसके सेंटर में रेड डिस्क बना हुआ है. यस, ब्राज़ील. नो, बांग्लादेश. एंड नेशनैलिटीज़, बांग्लादेश की नेशनैलिटीज़ क्या है? बांग्लादेशी. लास्ट, दिस कंट्री इज़ फेमस फॉर पिज़्ज़ा. ये तो सभी बच्चों को पता होगा क्योंकि पिज़्ज़ा खाना सब बच्चों को पसंद है. कौन सी कंट्री है जो पिज़्ज़ा के लिए फेमस है? यस, इटली. अगर नहीं पता है तो आज से आप जान लो. जब पिज़्ज़ा खाओगे तो आपको इटली का नेम ज़रूर याद आएगा, इटली. और यहाँ की नेशनैलिटीज़ क्या है? इटालियन. नाउ क्लास, आई कम टू नेक्स्ट चैप्टर 13. नो योर अर्थ. अब थोड़ा सा हम अपने अर्थ के बारे में भी जान लेते हैं. अर्थ इज़ द थर्ड प्लानट फ्रॉम द सन एंड द फिफ्थ लार्जेस्ट ऑफ द 8 प्लानट इन द सोलर सिस्टम. Choose the words from the help box and write the correct answer. Okay class, Earth क्या है? एक planet है. Third planet from the sun and fifth largest of the 8 planet in the solar system. और हमारे solar system का कौन सा planet है? Fifth, सबसे बड़ा planet. Number one, the time is spring and autumn when the Earth has day and night of equal length is called equinox. जिस समय की डे और नाइट दोनों का लेंथ सेम होता है. ये कब होता है? एक तो 20 मार्च को और दूसरा 22 सितंबर को. नाउ सेकेंड, द मून इज द अर्थ ओनली नेचुरल सेटेलाइट. एक मून ही है अर्थ का जो कि नेचुरल सेटेलाइट है. The imaginary line on the surface of the earth midway between the poles is called equator. The movement of the earth around the sun is called revolution. जो movement होता है, जो earth चक्कर लगाती है sun के चारों तरफ, उसको क्या बोलते हैं? Revolution. Rotation of the earth cause day and night. जो हमारी जो पृथ्वी है ये रोटेशन करती है, घूमती रहती है, इसके कारण ही दिन और रात होती है, डे एंड नाइट होती है. द स्पाइनिंग ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन. स्पाइनिंग मीन्स घुमाना. जो पृथ्वी घूमती है अपनी एक्सिस पर, अपने एक्सिस के चारों तरफ जो चक्कर लगाती है, उसको क्या बोलते हैं? रोटेशन. यस, नाउ चिल्ड्रन नेक्स्ट. 2/7 ऑफ द अर्थ सर्फेस इज कवर्ड विथ लैंड. With what is the remaining 5/7 of the surface covered? Yes, water. पृथ्वी का जो आधा भाग है, 2/7 भाग, वो किससे ढका रहता है? लैंड से, जमीन से. और जो उसकी बाकी के हिस्से हैं 5/7 भाग, वो सरफेस कवर्ड विथ वाटर, वाटर से कवर रहता है. नाउ क्लास नेक्स्ट. हाउ मेनी डेज डज इट टेक फॉर द अर्थ टू रिवॉल्व अराउंड द सन. सन को, पृथ्वी को सन का चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है? यस, 365 quarters. कितना टाइम लगता है? 365 quarters. ओके क्लास, तो आपका 11, 12 एंड 13 चैप्टर इज कम्प्लीट. थैंक यू क्लास.